तो इट वॉज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिला. फर्स्टली 3D बहुत ज़्यादा टेक्निकल और टीडियस होता है. एक एक डिटेलिंग रियली मैटर्स. लाइक अभी अगर यू नो अभी आप अगर देखें कि मेरी लिपस्टिक यहाँ से थोड़ी बाहर जा रही है, नॉर्मल फिल्म में आपको नहीं पता चलेगा, बट जब आप 3D में देखेंगे ग्लासेस पहन के, आपको दैट बी द फर्स्ट थिंग जो आप नोटिस करोगे कि अच्छा ये कुछ ऑफ जा रहा है. एंड पोस्ट इन 3D इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. तो हमें वी हैव टू मेक श्योर कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि बिफोर एवरी शॉट हम लोगों की कितनी मेहनत जाती थी. लाइक इवन डायरेक्टर, इवन हमारे DOP प्रवीण सर हमेशा, मतलब वो बेचारे स्क्रीन पे हमें नॉर्मली देखते, लाइट सेट करते, बाद में अंदर 3D टेक्नीशियंस का अदर रूम था बिकॉज यू नीड लॉट ऑफ कोल्ड एयर ओवर देयर. तो एकदम चिल रहता था वो रूम फॉर द हैवी मशीनरी. एंड देन यूज टू कम एंड बी लाइक, अब यहाँ से काजल फैल रहा है, अब ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, शेडो और लाइट. और ऑल्सो द अनदर थिंग इन 3D दैट आई लर्न वॉज दैट जहाँ नॉर्मली बिकॉज ऑफ द सेम प्रोसेस, जहाँ नॉर्मली हम 3 सीन्स या 4 सीन एक दिन में कर लेंगे, वहाँ 3D के वजह से हमें एक सीन 3-4 दिन में करना पड़ता था. बिकॉज एवरी टाइम मुझे लेंस चेंज करनी है तो मुझे कैमरा चेंज करना पड़ता था, अदरवाइज इट वोंट वर्क. एंड विच वॉज रियली डिफिकल्ट. एंड उसके लिए हमें एवरी टाइम वी हैड टू चेंज द लाइट एज वेल. सो बट लकीली वी हैड अ प्रो प्रवीण सर इसमें, तो उनके लिए तो आई एम श्योर डिफिकल्ट होगा, बट अच्छा हमें पता था कि सुंदर तो दिखना ही है. इस हिसाब से कि हाँ अभी शुरू किया एंड आई स्टिल फील आई एम द सेम गर्ल. एंड संजना का भी यही दिखाया कि एक सीन दिखाया कि आदित्य बोलते हैं संजना को कि ओ तुम्हारा घर तो और एक्ट्रेसेस की तरह, एक्टर्स एक्ट्रेसेस की तरह नहीं है ना. लुक एट हिम एंड आई एम लाइक, मुझे नहीं पता उनके घर कैसे होते हैं, हाँ मगर ये एक घर है. एंड आई स्टिल फील कि मेरे लिए भी दैट पॉट मैटर्स बिकॉज ईशा गुप्ता उस हिसाब से संजना से आई कैन रिलेट. हाँ बस आई जस्ट होप कि कोई मुझ पर काला जादू ना करना शुरू करे. आई मीन ऑनेस्टली जो आई वॉज स्केर्ड एट वन पॉइंट, बट नॉट इस वजह से कि बिपाशा जी मुझे ओवर शैडो ना करे, क्योंकि हम तीनों के किरदार बहुत डिफरेंट हैं. और विक्रम ने यू नो ही इज बीन वेरी स्मार्ट एंड क्लेवर अबाउट कि कहीं पे भी बिपाशा जी या मेरे कैरेक्टर को ग्रे नहीं दिखाया. और क्योंकि ट्राइंगल लव ट्राइंगल शॉट्स भी दिखाया मगर कहीं ये नहीं दिखाया कि बिपाशा ग्रे है या मैं ग्रे. वो कम्प्लीटली उनका कैरेक्टर डार्क दिखाया, कम्प्लीटली मेरा व्हाइट दिखाया. तो आपको पता है मतलब कहीं लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं कोई सीन नहीं कंपेयर होगा, कहीं एक्टिंग नहीं कंपेयर होगी. बट हाँ स्केर्ड मैं इस वजह से थी कि आई डिडंट वांट बिपाशा टू वेट. बल्कि विक्रम जी ने उसके बाद बोला अच्छा मतलब तुम यू आर ओके अगर तुम मुझे वेट कराओ. बट आई थिंक बट दैट टाइम आई हैड बिकम फ्रेंड्स विद विक्रम. बट बिपाशा जी के साथ एक दो सीन्स ही थे, सो आई वाज जस्ट लाइक आई होप कि मैं अच्छा करूं. एंड यू नो शी डजंट हैव टू अगेन एंड आई कैन गिव रीटेक्स बिकॉज ऑफ मी. हाँ जब उनके साथ थी मैं, मेरे लिए तो वो है दीवा. आई मीन एंड आई डोंट नो वो किसके लिए दीवा नहीं है. एंड खासकर यू नो कमिंग फ्रॉम अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, हमें कभी स्टार्स से एक्सपोज नहीं होते कि किसी से मिले या किसी को जानने पर्सनली. तो मेरे लिए हाँ जब मेरे सामने थी फाइनली एंड दैट टाइम आई वाज सो एक्साइटेड. आई लाइक आई मीन वन ऑफ द हॉटेस्ट एक्चुअली टिल नाउ शी इज द यू नो द सेक्सी दीवा बिपाशा बासु. एंड उनके साथ आई वाज राइट ऑपोजिट हर एंड ऑन द सेम स्क्रीन. तो मेरे तो इट वाज लाइक पीपल आर गोना लुक एट मी व्हाइल दे आर लुकिंग एट हर, दैट्स समथिंग न्यू.